यहाँ के लोकबाग हैं उनसे मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि कितने घर हैं। अगर ये आग उस तरफ जाए तो यहाँ के बच्चों को शिक्षा तो दूर, यहाँ के बच्चों की उम्मीदें भी टूट सकती है, क्योंकि अक्सर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वो कच्चा इलाका और कच्चे घर होते हैं, जिसमें को आपने सूचना दी भी ये यहाँ पे चिंगारी है जो नीचे गिर रही है या तार टूट गई है। कल वाली बुझा दी, आज भेर लग गई। अच्छा, आज वापस आग लगी है, चिंगारी रह गई कोई? आग लग रही है दो दिन से, कल भी आग लगी थी, आपने सूचना दी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई थी आग, वो 11,000 लेने वो कल तूफान आ गया था, इसी वजह से कोई तार टूट के ऊपर गिर गई। याद ताजा, वही होगा वही, इसीलिए करो कुछ। हाल फिलहाल तो नहर में पानी था, इसलिए काम सब ठीक हो गया भगवान कृपा से। बाकी प्रशासन के जो हाथ है सीमित तक ही है, लेकिन ये गर्मी की वजह से हर साल गर्मियों में आग लगने की जो घटना है हमें देखने को मिलती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। करीब आए दिन गर्मियों के अंदर हताहत होने की खबरें सामने आती रहती है। वो समा भी याद आता है जब समा गर्मियों का दौर था और RD 931 पर पिछले साल एक आग लगी और उसके अंदर सैकड़ों नहीं लाखों पक्षी मारे गए। ऐसी मौत आई उनको कि उनको पता भी नहीं चला कि आखिर क्या हुआ। उस वक्त चुनावी माहौल कुछ गरमाया हुआ था, दमकल की डिमांड भी की गई और बताया गया कि बज्जू के अंदर अब दमकल की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया धीमी होती गई, वैसे वैसे वो रफ्तार भी धीमी होती गई। न तो किसी ने दय शब्द का नाम दिया और न ही किसी ने दय फॉर दमकल का नाम लिया। लेकिन आज फिर वापिस वही समा वही माहौल याद आ गया और दमकल की गाड़ियां याद आने लगी। सबसे पहले तो बज्जू थाना अधिकारी आनंद जी जैसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अगर अफसर हो तो यकीन मान सकते हैं कि बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए आप व्यवस्था देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच के इतनी सुदृढ़ तरीके से व्यवस्था की है और बीकानेर से दमकल की गाड़ियां रवाना करवाई है। एक अनजान ऑफिसर के लिए इतना बड़ा क्षेत्र संभालना बेहद मुश्किल होता है। आप देखेंगे लगातार पूरी आग है जो कल भी लगी थी और यहाँ से करते करते वहाँ तक पहुँच गई है। और इसके बाद में आप इस नहर के उधर तुरंत एकदम साइड में देखेंगे तो ब्राह्मणों की ढाणी, जो ढाणी स्कूल की शिक्षा के लिए आए दिन आवेदन पत्र यहाँ के मौजूदा विधायक या फिर पूर्व विधायक को देता आया है, लेकिन उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो नहीं हुई, लेकिन आग की व्यवस्था जरूर हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ के लोकबाग हैं उनसे मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि कितने घर हैं। अगर ये आग उस तरफ जाए तो यहाँ के बच्चों को शिक्षा तो दूर, यहाँ के बच्चों की उम्मीदें भी टूट सकती है, क्योंकि अक्सर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वो कच्चा इलाका और कच्चे घर होते हैं, जिसमें एक झोंपड़ी नामक एक ऐसी वस्तु होती है जिसके अंदर सपने संजोए जाते हैं, वो सपने जल करके खाक हो जाते हैं। मैं बात करूँगा लगातार यहाँ पर मौजूद लोग हैं जो लगातार हैं, कब से ये आग लगी और वजह क्या है? कल भी आग लगी थी? कल भी लगी, आज भी लग गई। कल चिंखरी रहने से आज भी लग गई। तो बाद में आपको पता कब चला? पता चलता ही तुरंत आया और आग जोरदार लगी और नहर से बाल्टी भर भर रह गई और लाइट नहीं थी। अच्छा। और मोटर चलाने की कोशिश की, भाई भी नहीं चली, लाइट नहीं थी, लाइट का ही फॉल्ट थी। और ये जो लाइट है इसमें मतलब बिजली विभाग को आपने सूचना दी भी ये यहाँ पे चिंगारी है जो नीचे गिर रही है या तार टूट गई है? कल वाली बुझा दी, आज भेर लग गई। अच्छा, आज वापस आग लगी, चिंगारी रह गई कोई? कल दमकल तो आई नहीं, कोई खूंटे पर रह गई चिंगारी। और कितने घर है उस नहर के पार, कितने घर है? 50-55 घर है। 50-55 घर है। 50-55 घर अगर आग उस तरफ पहुंच जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? नुकसान पूरा ही हो जाता, पूरा हो सकता है। और अगर हवा कोई चांस ही नहीं था, और हवा अगर इस तरफ हो तो ये जुगस तो इस तरफ थी तो इसलिए पूरे इलाके से भेड़ा करके बुझाने की कोशिश की और कम से कम 100 आदमी आए और बुझा के चले गए। अभी तो कम हो गई, इसलिए मोटर भी लाइट भी पुलिस अधिकारी आ गए, इसलिए लाइट डला रही। दमकल की गाड़ियां हैं जो मौजूद होने वाली है थोड़ी देर में, और अब मैं जानूंगा जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश। तो ये लगातार आग लग रही है दो दिन से, कल भी आग लगी थी, आपने सूचना दी। शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई थी आग, वो 11,000 लेने वो कल तूफान आ गया था, इसी वजह से कोई तार टूट के ऊपर गिर गई। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे इधर 7 चित्र मकान बने हुए इधर और पास में ही बने हुए हैं, पास में मवेशी बंधे गए हैं और पास में जो भूसा डाला जाता है मवेशी, वो ये पास में ही पड़ा है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अभी हमारे को कोई
लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि बज्जू थाना अधिकारी बहुत ही तत्पर हैं सेवा के प्रति। उन्होंने रात भी आई थी प्रशासन, रात ही आया, अभी भी खड़े हैं प्रशासन, हणी आउडो बो रात ही आयो सा। हां पर प्रशासन होने कोई दमकल नहीं आओ जना लाड, पुलिस क्या करेगी, पुलिस कोई करे। आग तो मुझे को नहीं दमकल बने, और मैं रात ही हाथे राला ट्रैक्टर हूं बीजे हूं हर एक चीज हूं आग बुझे ही, और आज ही खपा हूं पड़िया दमकल तो आज भी को आई नहीं। ठीक बात है, क्या 4 बजे को बोला हुआ दमकल अभी पहुंचा नहीं अभी तक। हां नहीं वो रवाना हो गया है, बस 5-10 मिनट में आने वाला है। हां बाद में आने से क्या मतलब है, पहले चाहिए, व्यवस्था नहीं है बज्जू में, व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था नहीं है बज्जू में, क्या है नजदीक में कुछ व्यवस्था नहीं है, इस वजह से लग रही है आग डेली डेली लग रही है। आप युवा हो, अगर आग की चिंगारी उधर चली जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। बलूरी वाला याद ताजा, वही वही होगा वही, इसीलिए करो कुछ। हाल फिलहाल तो नहर में पानी था इसलिए काम सब ठीक हो गया भगवान कृपा से। बाकी मैन तो लाइन फॉल्ट और कल आग लगी थी, पर भगवान की कृपा से कल ही पानी शाम को खुला है और पानी मिल गया जब, इसलिए बाल्टियों से गाँव का करीब 50 आदमी थे, बाल्टियों कोई कैसे पर ट्रैक्टर बुला लिया और ट्रैक्टर से मतलब ये जो ढोल होता है ना सफरे करने वाला, वो ढोल पानी भर गए और मतलब वैसे पानी की सफरे करने से रात को तो बंद हो गई, पर लेकिन कुछ भी कहीं कहीं चिंगारी रह चुकी थी इसलिए ये वापिस आग लागी। आग तो लागने से सब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पहली बात तो पेड़ पौधे मतलब कितनी मेहनत से पालते हैं तो, और इतने जानवर है छोटे हैं बच्चे हैं वो भी इसमें साथ में जल चुके हैं, और ठीक यहाँ से 20-30 कदम पर ही घर मकान है, वहाँ कचरा भी डाला हुआ है और गायें भी खड़ी है, तो मतलब चिंगारियाँ जाके कोई छपरे पर गिरती है कोई कचरे पर, तो कुल मिलाकर मतलब यहाँ काबू हो गई, ऐसा तो कोई नुकसान हुआ नहीं भगवान कृपा से। बलूरी कांड हो सकता था, बलूरी नहीं तो बलूरी सेम बलूरी वाला कांड हो सकता था। अब दमकल भी आज पहुंची है और हम आसमान सिंह भाटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आसमान सिंह की तरफ से ये दमकल भी आ पहुंची है, अभी हो जाएगा। बिल्कुल युवा नेता युवा विधायक आसमान सिंह भाटी का धन्यवाद दे रहे हैं ये लोग, और मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं उनको कि आपकी एक जवाबी कार्रवाई पर दमकल की गाड़ियां हैं जो यहां मौजूद है, पुलिस का प्रशासन है। अब दमकल की गाड़ियों की तरफ मैं लेके चलूंगा, और मेरे साथ में है यहीं के देव जाजरा है, तो मतलब आपने रात भी बात की थी थाना अधिकारी से, बात की थी आपने, दमकल की बात हुई थी, फिर कहाँ मतलब अतिशोक्ति कहाँ है, विडंबना कहाँ है कि लगातार ऐसी आग लग रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रशासन मौन है। पिछली बार यहाँ आग लगी थी, वापस ये रिपीट हो रहा है, क्या मामला है? देखिए सर, प्रशासन के जो हाथ हैं सीमित तक ही है, लेकिन ये गर्मी की वजह से हर साल गर्मियों में आग लगने की जो घटना है हमें देखने को मिलती है, लेकिन बज्जू क्षेत्र में दमकल की जो कमी है और उनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज भी नज़र आ रहा है, क्योंकि समय पर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाती, तब तक जो आग की लपटें हैं वो कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा पाती है और साथ में पशु पक्षियों को भी नुकसान होता है, और लगभग यहाँ से बीकानेर से तब तक रवाना होती है 100 किलोमीटर है बीकानेर यहाँ से, तब तक 1-1.5 घंटा लग जाता है, तब तक जो आग है वो काफी मात्रा में फैल जाती है और नुकसान भी हो जाता है। अच्छा, मतलब बलूरी में आपको याद होगा, कैमरामैन ने आज बहुत मशक्कत की है, इसके लिए एक सैल्यूट बनता है कैमरामैन के लिए, भाई बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। तो बलूरी में जो कांड हुआ वो काफी समय अलग था, आज का समय काफी अलग है, उस कांड में और आज के वर्तमान में बहुत काफी बदलाव है, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा है, मतलब दमकल की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है? पिछली सरकार ने ये भी कहा था कि बज्जू में दमकल की व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल, ग्रामीणों को जो है आश्वासन दिया जाता है हर बार, लेकिन ये सुविधा है जो अभी फिलहाल नहीं है। 860 पे पुलिस चौकी भी ओपन हुई थी। बिल्कुल, 860 पर पुलिस चौकी भी ओपन हुई थी, और सुनने भी आ रहा है कि मार्च में जो है स्टाफ आ जाएगा, लेकिन अभी तक स्टाफ की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, और उस स्टाफ के नहीं होने से RD 860 पर क्राइम जो है फैलता जा रहा है, लोग 2 नंबर के धंधे बिजनेस बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत घातक होता जा रहा है सर। फिलहाल हम आगजन की बात कर रहे हैं, तो ये अभी ग्रामीणों ने यहाँ ब्राह्मणों की ढाणी के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया सर, और सर, अभी मतलब ब्राह्मणों की ढाणी के लोगों की जान सस्ती है, मतलब जो ध्यान नहीं दे रहे हैं सर, नहीं है, लेकिन जान जो है जोखिम में डालकर ये उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि दमकल की व्यवस्था नहीं है और ग्रामीणों में रोष भी नजर आ रहा है सर, और मैं यहाँ पर
अभी स्थानीय विधायक अंशुमान सिंह जी भट्ट साहब से निवेदन करता हूं कि आप बजू क्षेत्र के अंदर दमकल की व्यवस्था जो है करें, और इससे ये बहुत बड़ा कदम होगा। अगर ये काम किया तो वास्तव में बहुत बड़ा कदम होगा सर। दमकल की अगर व्यवस्था होगी तो यहाँ पर लाखों जो पशु पक्षी है उनकी जान बचेगी, प्रकृति का नुकसान होने से बचेगा सर, काफी पेड़ पौधे जो है बचेंगे सर। क्या लगता है आपको, युवा विधायक है और ओजस्वी है, तेजस्वी है, कल एक रिकॉर्ड तोड़ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ है, क्या लगता है आपको, मतलब जो पिछली सरकार एक जुमला छोड़ के गई थी, क्या उस जुमले को ये सरकार पूरा कर पाएगी? बिल्कुल सर, हमें पूरा विश्वास है, विश्वास नहीं आत्मा की गहराई में विश्वास है पूरा कि आसमान सिंह जी भट्ट साहब है यहाँ पर जो कमी दिख रही है दमकल की वो जरूर यहाँ पर पूरी करेंगे सर, दावे के साथ कहता हूँ मैं सर। दावे के साथ कहते हैं, खैर दावे तो इनके दिल से निकले हैं, और अंशुमान सिंह भाटी का नाम दावों का जब जिक्र आता है तो वाकई में कहा जाता है कि चाहे वो करणी माता का देशनोक मंदिर हो, वहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ बजट दिया है, तो एक छोटे से बजट का छोटा सा अंश अगर बज्जू में स्थापित हो जाए तो ये घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी, वरना बहुत बड़ी घटना को अंजाम यहाँ पर मिल सकता है। हाँ, पिछले 24 घंटों से सर यहाँ पर ग्रामीण लोग जो है आग बुझाने में लगे हुए हैं, पास में ब्राह्मणों के ढाणी के लगभग तकरीबन 60 से 70 घर हैं, उन घरों में आग जाने का भी खतरा मंडरा रहा था, लोगों में अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि दमकल की व्यवस्था सर है नहीं, आग इस कदर बढ़ गई थी कि मतलब ट्यूबवेल और मौके पर लाइट भी नहीं थी सर, लोगों ने बाल्टियों से और कुंड जो होते हैं ना वहां से पानी लाकर आग को बुझाने का प्रयास किया सर। ठीक बात है, बहुत बहुत आभार। फिलहाल दमकल की गाड़ियाँ मौजूद है और युवा विधायक अंशुमान सिंह भाटी की तरफ दिल की उम्मीदें और नम हुई आंखें ये कह रही है कि बस एक दमकल की व्यवस्था यहाँ की जाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।